अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, हाउ यू ऑल। मैं यूजुअली अपनी जो वीडियो है बहुत बड़ी स्माइल के साथ स्टार्ट करती हूँ, बट आज मैं ऐसा नहीं करने वाली, क्योंकि आज मैं बहुत दुखी हूँ। बहुत बुरा फील हो रहा है, बहुत मैं बुरा। आज बात करने लगी हूँ जी रिसेंटली जो वाकया हुआ है PIC। जिनको PIC का नहीं पता तो मैं उन्हें बताती हूँ कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, ये एक इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल है। वहाँ पे जाके कुछ लॉयर्स ने गुंडागर्दी की है, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे, आप न्यूज़ पे हर जगह चल रहा होगा, कुछ नहीं बहुत सारे लॉयर्स एक साथ गए हैं और डॉक्टर्स पे तो किया ही किया, आपने मरीजों को भी नहीं छोड़ा यार। मरीज जो कि बेचारे खुद बेबस होते हैं, खुद बेचारे अपनी जानें बचाने के लिए हॉस्पिटल जैसी जगह में आते हैं, आपने उनको नहीं छोड़ा। वहां पे गए हो आप, उनके मास्क उतारे हैं, वहां पे लोग वेंट पे होते हैं, ICU में लोग होते हैं, ICU में जाके इन्होंने अटैक किया है यार। मतलब हद होती है, इतना कोई रिस्पेक्टफुल ये पेशा होता है, लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, यार आप कैसे कर सकते हो इतनी बड़ी हरकत। इतनी बड़ी हरकत, आपने जगह भी वो चूज की, हॉस्पिटल जहां पे मरीज होते हैं बेचारे लाचार। मुझे नहीं पता क्या इनकी प्रॉब्लम थी, डॉक्टर्स के साथ थी, हुकूमत के साथ थी, किसके साथ थी प्रॉब्लम, बट ये दिस एक्ट वॉज अनएक्सेप्टेबल। कैसे कर सकते हो आप हॉस्पिटल जैसी जगह में मरीजों के साथ। हर जगह ये इशू चल रहा है, मैं इसको इशू क्या कहूँ, ये एक मुजरमाना एक्ट है, मुजरमाना एक्ट, दहशतगर्दी है ये, वो भी खुले आम। तो मैंने वहां पे एक अटेंडेंट को कहते सुना कि हम लोग बैक कर रहे थे, उनसे हाथ जोड़ रहे थे कि आप लोग मत करो, हमारे मरीज मर रहे हैं, आप लोग मत करो, बट वो किसी के सुनने के लिए तैयार नहीं थे। खून तारी था, खून सवार था उनके सर पे, और डॉक्टर्स को उन्होंने जो है तशद्दुद किया, उन्होंने जाके उनको पत्थर मारे, वेपन्स यूज किए उन्होंने खुलेआम जाके, वो भी हॉस्पिटल जैसी जगह में। और मैंने कुछ अटेंडेंट्स को ये भी कहते सुना कि हम लोग पुलिस वाले वहां पे खड़े हुए थे इतने सारे, तो उनके सामने जाके हाथ जोड़े हैं कि भाई आप लोग कुछ करो, इनको रोको, कुछ लाठी चार्ज करो, कुछ तो करो, लेकिन उन्होंने साफ कुछ भी करने से इनकार कर दिया। और वो लोग बिना कुछ किए चुप करके बुत बन के खड़े हुए थे साइड पे, और उन्होंने बस एक लफ्ज कहा, एक सेंटेंस कहा कि हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है। कौन से ऊपर से ऑर्डर नहीं है यार, आपको कैसे, आप लोगों की जाने जा रही है, लोग मर रहे हैं, मास्क उतार दिया है यार। मेरा लिटरली दिल बाहर आ गया जब मैंने ये सुना कि मरीजों के मास्क उतार दिए गए यार, लोगों के सामने, आपके सामने वो मर रहे हैं, और आप मतलब इंसानियत ही नहीं है, इंसानियत ही मर गई। आप कैसे कर सकते हो किसी के साथ, जो इंसान आखिरी सांसें ले रहा है, आर्टिफिशियल सांसें ले रहा है, आप वो सांसें उससे छीन ली आपने, कैसे कर सकता है कोई बंदा ऐसा। मैं नहीं कर सकती, मेरे सामने एक कैट, एक बिल्ली, मेरे सामने एक छोटी सी चिड़िया भी मर रही होती है तो मेरा दिल कांप जाता है कि नहीं मैं कुछ करूं कि इसको बचा लूं। और आई एम श्योर आप भी सब ऐसे ही होंगे, लेकिन वो लोग कौन थे यार, कौन थे, मुझे नहीं पता क्या मैटर था, डॉक्टर्स के साथ था, हुकूमत के साथ था, किसके साथ था ये इनको प्रॉब्लम, बट किसी का प्रॉब्लम कोई इतना बड़ा कैसे हो सकता है कि वो खुलेआम लोगों की जाने ले ले, उसका दिल भी कैसे किया। मैंने ये मैटर देखा, आई नो ये मैटर बहुत सेंसिटिव है, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं और लोग इस पर बात करने से बहुत घबराते हैं, बट मैंने जब ये सारा सिनेरियो देखा TV पे तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा मुझे वीडियो बनानी है। उनमें से कोई देख रहा हो जो इस एक्ट में शामिल थे, जिन्होंने ये हरकत की, ये शर्मनाक हरकत की, आप लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों के घर में नहीं है लोग, आपके अम्मी अब्बू दादा दादी बहन भाई, यार आपका दिल कैसे माना ये सब करने को, जिन पे पूरा घर चलता था। उफ, आई फील सो सॉरी फॉर यू गाइज, कि आप लोगों के दिमाग में, दिल में एक बार भी नहीं आया ये ख्याल के क्या हो सकता है उन लोगों के साथ। एक बंदा भी चला जाता है ना घर का तो फैमिली सफर करती है। अभी तो ये मैंने सिर्फ अटेंडेंस की बात की, मैंने यहाँ पेशेंट्स की बात की, डॉक्टर्स की बात की, आई डोंट नो पैरामेडिक्स जो होते हैं, नर्सेज होती हैं, मेल स्टाफ, फीमेल स्टाफ, स्पॉट बॉयज, स्वीपर, उनके साथ इन्होंने क्या किया, उनका भी कुछ आइडिया नहीं। वो लोग बेचारे हमारे लिए आते हैं हॉस्पिटल, उनकी जॉब्स हैं, आई डोंट नो उनके साथ क्या हशर हुआ होगा। रिसेंटली मेरी एक जानने वाली ने मुझे दिखाई फुटेज कि ये क्या हो रहा है तुम्हारी कंट्री में, मतलब मैं उसे कोई जवाब ही नहीं दे पाई यार। आप लोग
ख्याल करो थोड़ा, आप लोग अपनी कंट्री को बेहतर बनाओ, उसके लिए कुछ करो अपने मुल्क। आप लोग बाहर की कंट्रीज को क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि हम लोग कैसे हैं? हम लोग ऑलरेडी इस चीज को सफर कर रहे हैं बाहर रहते हुए कि तुम्हारा कंट्री ऐसा, तुम्हारा कंट्री वैसा, ये होता है, वो होता है। आप लोग अपनी मुल्क की तरक्की के लिए सोचो, ना कि इन चीजों के लिए, फजूल बातों का सोचो कि उसने हमारे साथ ये कर लिया तो हमें इसके साथ बदला लेना है। यार क्या बदला लेना है, और वो भी हॉस्पिटल जैसी जगह पे जाके आपको बदला लेना है। गाइस, मैं स्पेसिफिकली इस प्रोफेशन को बुरा नहीं कह रही हूँ, ये आप सभी जानते होंगे, मैं उन कुछ बुरे लोगों की बात कर रही हूँ जिन्होंने ये हरकत की है। ये प्रोफेशन एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, लॉयर्स जो हमें इंसाफ देते हैं, उन्होंने कैसे नाइंसाफी कर दी। सुनने में आया है कि काफी अटेंडेंट्स ने इनके खिलाफ जो है एक्शन लिया है, बट आई नो कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला, इन दी एंड डिसमिस हो जाएगा केस। आई नो दैट शुरू से यही होता हुआ आया है और अब भी यही, मतलब बेहतरी की तरफ जाने के बजाय आप दोबारा से हमें पीछे ले आते हैं। एंड में मैं बस यही कहना चाहूंगी, वीडियो में इस बात पे एंड करूंगी कि हम, मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह बस हिदायत दे इनको।